सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, पानीपत का तीसरा युद्ध। जो पहले से ही ये टॉपिक चल रहा है ना, तो आओ चलो हम शुरुआत करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध और इसकी घटनाएं। यहाँ बच्चों पानीपत के तीसरे युद्ध की घटनाएं क्या रहेगी। यहाँ पहला तथ्य आता है इसमें, 1758 की घटना आती है। 1759 की घटना आती है। 1760 की घटना आती है। और इसके बाद हम जनवरी 1760 से 1 नवंबर 1760 की घटनाओं को देखा जा रहा है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण और घटनाओं की। ये पहला तथ्य जो है 1758 का, अदीना बेग का नाम सुने हो बच्चों? अदीना बेग ये मुल्तान और लाहौर की गवर्नर होती है। दुर्भाग्यवश 1758 में इनका देहांत हो जाता है। और इनके देहांत के बाद यहाँ अफगान यहाँ कब्जा कर लेते हैं। अफगान यहाँ पहुँच जाते हैं। मराठा सरदारों में एक सरदार होता है, उस सरदार का नाम होता है तुकोजी। तुकोजी अपनी मराठा सेना को मुल्तान और लाहौर लेकर आते हैं और यहाँ से अफगानों को, यहाँ का गवर्नर तिमूर खान को यहाँ से भगा देते हैं। तिमूर खान का सेना अध्यक्ष होता है जहान खान। जहान खान भी यहाँ से चला जाता है। यहाँ तुकोजी यहाँ एक सफलता हासिल करते हैं। तुकोजी यहाँ से पेशावर और अटक तक का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लेते हैं। जब अपने अधिकार में ले लेते हैं बच्चों, पेशावर और अटक का क्षेत्र अपने अधिकार में ले लेते हैं, और लेने के बाद तुकोजी 1759 ईस्वी में ये लाहौर लौट कर आ जाते हैं। अब इसका क्या परिणाम निकलता है? परिणाम यह होता है कि अहमद शाह अब्दाली का सेनापति और तिमूर खान का सेनाध्यक्ष जहान खान अफगानी सेना लेकर एक बार फिर लाहौर की ओर आता है। और लाहौर में तुकोजी की सेना मराठों की सेना को पराजित करके यहाँ अफगानों का राज हो जाता है। अफगान एक बार फिर यहाँ जीत जाते हैं। और ये सिलसिला 1758 से शुरू होता है। 1759 में ये घटना होती है। 1759 की यह घटना का एक परिणाम निकलता है। सदाशिव राव यहाँ मराठा सरदारों के सेनाध्यक्ष के रूप में, सदाशिव राव पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। और पंजाब की राजनीति में सदाशिव राव का हस्तक्षेप होता है। सदाशिव राव दक्षिण भारत से कौन सी जगह आते हैं? दक्षिण भारत से ये दिल्ली में अपनी सेना लेकर आते हैं। और दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम, और इधर अवध का नवाब होता है शुजाउद्दौला।
और रोहेलो का सरदार कौन होता है बच्चों? नजीब उ दौला होता है। यहां मैंने आपको बताया सदाशिव राव, इनका उर्फ भाऊ भी कहते हैं इनको। ये भाऊ मराठा सेना लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद ये मुगल सम्राट को पराजित करते हैं और मुगल सम्राट को पराजित करके ये दिल्ली को अपने अधिकार में ले लेते हैं। दिल्ली पर अब मराठों का अधिकार हो जाता है और मराठों के अधिकार हो जाने से दिल्ली में क्या होता है बच्चों? अब दिल्ली में जितने भी जो मराठा सरदार हैं, जब इनका अधिकार हो गया, दिल्ली में जब मराठों का अधिकार हो गया, तो सारे मुस्लिम जो थे वो सारे मुस्लिम इन मराठाओं के खिलाफ हो जाएंगे, हो जाते हैं। और इस प्रकार हम देख रहे हैं मुगल सम्राट मराठों के खिलाफ हो गया। अवध का शुजाउद्दौला जो मुस्लिम, ये मराठों के खिलाफ हो जाते हैं। रोहिलो का सरदार, जहाँ मराठों ने नजीब खान के साथ सख्ती से पेश आए थे, ये वही नजीब खान अब मराठों के खिलाफ हो गया था। और ये इस सब चीज़ों का लाभ उठाकर अहमद शाह अब्दाली लाहौर और पंजाब तक अपनी सेना लेकर आ जाते हैं। पंजाब में कौन आ गया? अहमद शाह अब्दाली यहाँ पहुँच जाता है। कौन सी जगह पहुँचते हैं? ये पंजाब पहुँच जाते हैं और पंजाब से ये अपनी सेना पानीपत के मैदान में अपना शिविर लगाते हैं। पानीपत का मैदान भारत में ये कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये भारत के हरियाणा में स्थित है। ये दिल्ली का प्रवेश द्वार कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे भारत के इतिहास में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाते हैं और भारत में मुगल वंश की नींव रखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध मुगल सम्राट अकबर और आदिल शाह के सेनापति हेमू के बीच में होता है, जहां बैराम खान के सहयोग से अकबर महान पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय हासिल करते हैं। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ सेनाध्यक्ष पेशवा के पुत्र विश्वास राव के बीच में होता है, जिसमें मराठाओं को बुरी तरह से पराजित होना पड़ता है। मराठाओं की एक पीढ़ी पूरी समाप्त हो जाती है। यहाँ हम 1758 की घटना के योगदान को देखा, 1759 की घटना की योगदान को देखा, 1760 की घटना को योगदान को हम देख रहे हैं। जनवरी 1760 से 1 नवंबर 1760 तक कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं में पानीपत के मैदान में जब अफगानों की सेना पहुंच जाती है और इधर मराठा सरदार सदाशिव राव उर्फ भाऊ की सेना पहुंच जाती है, तब यहाँ क्या गतिविधियाँ होती है? और इस 1 साल के पीरियड में पानीपत के युद्ध की भूमिका कैसे तैयार होती है, उस चीज़ को हम यहाँ बोर्ड पे समझ रहे हैं। यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ एक तरफ अफगानों की सेना है, और यहाँ दूसरी तरफ मराठाओं की सेना है। यहाँ पानीपत का मैदान है, ये अफगानों की सेना का यहाँ शिविर होता है, मराठों का यहाँ शिविर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अफगानों की सेना का नेतृत्व करने वाला अहमद शाह अब्दाली का नाम सुने हो बच्चों? अहमद शाह अब्दाली होता है मराठा की सेनाओं का नेतृत्व करने वाला, मराठाओं की सेना का नेतृत्व करने वाला सदा
शिव राव होता है, उर्फ भाउ भी कहते हैं इसको। यहाँ अहमद शाह अब्दाली का सहयोग देने वाला तिमूर खान गवर्नर होता है। तिमूर खान का सेनाध्यक्ष कौन होता है? जहान खान होता है। यहाँ सदाशिव राव को सहयोग देने के लिए पेशवा बाजीराव का पुत्र विश्वास राव यहाँ मराठा शिविर में होते हैं। यहाँ बच्चों मराठा शिविर में तोपखाने का नेतृत्व करने वाला इब्राहिम खान होता है। पानीपत के तीसरे युद्ध की जो योजना है और जो भूमिका बनेगी वो कैसे बनती है, पानीपत के तीसरे युद्ध की भूमिका को अगर हम देखें तो यहाँ अफगानों की सेना में अहमद शाह अब्दाली का यह पांचवा आक्रमण है और ये पांचवा आक्रमण 1760 में होता है। यहाँ हम जनवरी 1760 से 1 नवंबर 1760 की घटनाओं की बात कर रहे हैं। इसी दरमियान क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ, अहमद शाह अब्दाली अवध का नवाब कौन है? सुजाउद्दौला है। रोहिला का सरदार कौन है? नजीब उद्दौला है। अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाब सुजाउद्दौला को एक संधि का प्रस्ताव मराठा सरदार भाऊ के यहाँ प्रस्ताव लेकर भिजवाया जाता है और ये संधि का प्रस्ताव लेकर सदाशिव राव उर्फ भाऊ के पास में आते हैं। लेकिन यहाँ मराठा सरदार अपने अहम में होते हैं और संधि के प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। ये पहल करने वाले अफगान इनसे एक समझौता करना चाहते थे कि हम यहाँ पर केवल आपसे वार्षिक टैक्स वसूल करने के लिए आए हैं, आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, हम वापस यहाँ से चले जाएंगे। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा ये पहल की जाती है। लेकिन यहाँ सदाशिव राव मराठा सरदार और बाजीराव का पुत्र विश्वास राव ये अफगानों की बात को अनसुनी कर देते हैं और किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं। अहमद शाह अब्दाली अब छल कपट से मराठा सरदारों के खाद्य सामग्री आने वाले रास्ते को ये रोक देते हैं और तारबंदी कर दी जाती है। मराठा सरदारों में और या मराठा सेनाओं में खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता है। इधर सदाशिव राव भी अफगान सेना जो काबुल से इनको जो कॉर्पोरेट सहयोग मिल रहा था उधर नाकेबंदी की ये पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोशिश असफल रहती है। यहाँ कुल मिलाकर अगर देखा जाए बच्चों तो अहमद शाह अब्दाली यहाँ प्रॉफिट में रहते हैं और अगर सदाशिव राव की स्थिति को देखा जाए तो ये लॉस में रहते हैं। ये इनके यहाँ मराठों की खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता है। यहाँ पे सदाशिव राव निरंतर दक्षिण भारत में पेशवा के पास अपना फरमान भिजवा रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत से कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। यहाँ सदाशिव राव ने राजपूतों को फरमान भिजवाया था, इन्होंने और भरतपुर के जाट नरेश से इन्होंने सहयोग की प्रार्थना की
लेकिन मराठों को सहयोग करने के लिए कोई तैयार नहीं था। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों आपको ये बताया था, सदाशिव राव, पेशवा बाजीराव का पुत्र विश्वास राव, इब्राहिम खान जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहा है, यहाँ ये लोग, इन लोगों को किसी प्रकार का कोई कहीं से सहायता मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। जो इनके सारे मित्र होते हैं वो सभी मित्र अफगान अहमद शाह अब्दाली के पास चले जाते हैं। जैसे मुग़ल सम्राट अहमद शाह अब्दाली की शरण में चला गया था, जैसे अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की शरण में चला गया था, जैसे रोहिला सरदार नजीमुद्दौला अहमद शाह अब्दाली की सेना में चला गया था। अफगान सेना ऐसा अवसर देखकर बच्चों, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के मैदान में युद्ध प्रारंभ करने का ऐलान कर दिया था। अब हम पानीपत के युद्ध की घटनाओं को देखेंगे, और पानीपत के युद्ध की घटनाओं में अगर हम देखते हैं तो पानीपत के मैदान में यह युद्ध प्रातःकाल 9 बजे प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पानीपत के मैदान में मोर्चाबंदी की गई है। मराठाओं ने अपने स्तर पे परंपरावादी मोर्चा संभाला था। यहाँ अफगानों की सेना थी और इधर मराठों की सेना थी। 14 जनवरी का दिन होता है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अफगानों में अभी अभी मैंने आपको बताया था, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में यह युद्ध होता है। मराठों में सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में यह युद्ध होता है। यह प्रातःकाल 9 बजे प्रारंभ होता है और सायकालीन 5 बजे यह समाप्त होता है। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों, प्रातःकाल 9 बजे जब अफगानों की सेना और मराठों की सेना के बीच में जबरदस्त युद्ध चल रहा था, तो प्रारंभिक अवस्था में मराठों की सेना विजयी हो रही थी, अफगान पराजित हो रहे थे। इब्राहिम खान जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था, इब्राहिम खान ने इतने तोप के गोले बरसाए कि तोप के गोलों से अफगानों के हौसले पस्त हो गए थे। अफगान युद्ध का मैदान छोड़कर जा रहे थे, लेकिन भूखे प्यासे मराठों की हालत 3 बजते बजते और जैसे जैसे सूर्योदय ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे अफगानों के हौसले भी चढ़ते गए थे। अफगानों के हौसले इस तरह, अफगान एक बार फिर अफगानों ने हमला किया और भूखे प्यासे मराठाओं को युद्ध का मैदान छोड़ना पड़ा था। अफगानों की तरफ से तोपों के गोलों को बरसाया गया था और 3 बजे के बाद युद्ध का फैसला अफगानों के पक्ष में चला गया था। एक गोली सदाशिव राव के लगती है और सदाशिव राव यहाँ दुनिया से चल बसते हैं। विश्वास राव भी, जो पेशवा के पुत्र होते हैं, ये भी इस युद्ध में हताहत हो जाते हैं। इब्राहिम जो तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था, ये भी मराठों में इस युद्ध में चल बसे थे। अब यहाँ जो मुख्य रूप से सदाशिव राव होता है पहले नंबर का, विश्वास राव होता है दूसरे नंबर का, इब्राहिम खान होता है तीसरा नंबर का, ये तीनों ही इस संसार से चल बसे थे। मराठाओं की सेना में अफरा तफरी मच जाती है बच्चों, मराठा सेना भागने लगती है और यहाँ अफगानों की तरफ से गोले गोले बरसाए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि मराठाओं की इतनी बुरी हालत होती है, भारत के इतिहास में ये मराठाओं को सबक सिखाने वाला एक ज़बरदस्त युद्ध होता है। ये यहाँ अहमद शाह अब्दाली ने जब पांचवी बार
लाहौर और मुल्तान के रास्ते होते हुए दिल्ली पर दिल्ली के पास हरियाणा के पानीपत के मैदान में जब मराठाओं को सबक सिखाने के लिए युद्ध किया था, तो कि उन्होंने यही उद्देश्य लेकर युद्ध किया था, मराठाओं के भय को अब समाप्त करना होगा, मराठाओं के भय को अब समाप्त करना होगा। और यह आप देख रहे हो कि किस तरह अहमद शाह अब्दाली ने अपनी पूरी चतुराई के साथ मराठाओं की जीत को हार में बदल दिया था। और अब यहाँ अफगान यहाँ विजयी हुए थे, मराठाओं का सर्वनाश हो गया था, मराठा साम्राज्य की शक्ति टूटकर बिखर गई थी, मराठा साम्राज्य में अब ऐसा कोई परिवार नहीं बचा था, मराठा साम्राज्य में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसका कोई एक लाल, हर परिवार का एक एक लाल यहाँ इस युद्ध में हताहत हुआ है। मराठाओं के अस्तित्व मिट गया था, मराठाओं का सर्वनाश हो गया था। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों, पानीपत के तीसरे युद्ध की घटनाओं को देखा जा रहा है। और पानीपत के तीसरे युद्ध की घटनाओं में हमने देखा कि पलड़ा भारी था और यहाँ अफगान विजित हुए थे, अहमद शाह अब्दाली यहाँ जीत गया था। अब हम पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम की बात करते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या रहे थे। पानीपत के तीसरे युद्ध का पहला परिणाम क्या था, दूसरा परिणाम क्या था, तीसरा परिणाम क्या था। पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणामों में पहला परिणाम उत्तर भारत से मराठों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। दूसरा परिणाम मुस्लिम सुल्तान जो अहमद शाह अब्दाली के साथ थे, मुस्लिम सुल्तानों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई थी। तीसरा परिणाम अगर देखा जाए तो मराठा साम्राज्य का भय अब समाप्त हो गया था। अगर चौथा परिणाम देखा जाए तो मराठा साम्राज्य की शक्ति चूर चूर हो गई थी। पांचवा परिणाम अगर देखा जाए तो आगे चलकर मराठा सरदारों में नाना फडणवीस का नाम आता है, फडणवीस और महादजी सिंधिया का नाम आता है, जिन्होंने आगे चलकर वापस मराठा शक्ति का पुनरुत्थान करने में सहयोग दिया था। अगर हम बात करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध की भूमिका की, तो ये देखा जाता है कि पानीपत की पराजय, पानीपत की मराठों के दुर्भाग्य की शुरुआत पानीपत की पराजय से नहीं बल्कि पेशवा माधवराव की मृत्यु से होती है। इतिहासकार ये कहते हैं बच्चों, महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने अपने किसी अमूल्य लाल की आहुति नहीं दी हो। यहाँ हम 78,000 मराठा सैनिक इस युद्ध में हताहत हो गए थे, लगभग इतने ही यहाँ घायल हो गए थे। महाराष्ट्र का हर परिवार का एक सदस्य पानीपत के मैदान में अपने आप को समर्पण कर दिया था, अपने आप को बलिदान कर दिया था। पानीपत के परिणामों को अगर देखा जाए बच्चों, 1761 के बाद भारत के पूर्वी भाग में बंगाल बिहार उड़ीसा में जहां 1757 के अंदर अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था षड्यंत्र के द्वारा, और बंगाल पर
रॉबर्ट क्लाइव का अधिकार हो गया था। यह यहाँ रॉबर्ट क्लाइव की भारत में एक नींव स्थापित हो गई थी। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी नींव को स्थापित किया था और 1761 में अब मराठों का जो भय था अब समाप्त हो गया था। 1764 के अंदर भारत के इतिहास में फेमस बक्सर का युद्ध होता है और इस बक्सर के युद्ध में तीन महान शक्तियों को अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया था। बंगाल की तरफ से मीर कासिम होता है, दिल्ली का मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड होता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला होता है। तीन महान शक्तियाँ और एक तरफ हेक्टर मुंडरो की सेना थी और थोड़ी सी अंग्रेजी सेना ने तीन महान शक्तियों की सेना को पराजित करना कोई सरल बात नहीं थी। और इस तरह बंगाल बिहार उड़ीसा में बक्सर के मैदान में तीन महान शक्तियों के पराजित होने के बाद जो नींव रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में स्थापित की थी उसको सुदृढ़ करने वाला युद्ध कौन सा था? वो 1764 का बक्सर का युद्ध था। बच्चों वो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध कहलाता है। और इसी बक्सर के युद्ध से अंग्रेज़ों ने भारत में दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था और यहीं पर एक द्वैध शासन का नियम लागू किया गया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से यहाँ मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ एक संधि की गई थी और दूसरी तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ एक संधि की गई थी और यहीं से अंग्रेज़ों का इतिहास धीरे धीरे अंग्रेज़ों के यहाँ अपनी प्रशासनिक नीतियों को लागू कर दिया था और गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, 1833 का चार्टर एक्ट आया था, 1834 का चार्टर एक्ट आता है और 1858 का अधिनियम आएगा और धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो भारत के सामाजिक मामले में, राजनीतिक मामले में, आर्थिक मामले में, सांस्कृतिक मामले में, प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करते गए और धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी स्वतंत्रता की लहर और कई नेताओं का यहाँ नेता यहाँ आए थे, जैसे महात्मा गांधी आए थे, जैसे फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले है, दादा भाई नौरोजी है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है और यहाँ बाल गंगाधर तिलक हैं, क्रांतिकारी है, उदारवादी दल आया था, उग्रवादी दल आया था, कई प्रकार की योजनाएं आती हैं और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विभाजन के साथ आज़ाद हो जाता है। यहाँ बच्चों अब मैं इस टॉपिक को भी आज़ाद कर रहा हूँ। यहाँ पानीपत का तीसरा युद्ध मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ और पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा रहने वाला है आप उसके लिए इंतज़ार करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू वेरी मच।